अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक फायर फाइटर रिबोट। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज़ में यूज़ किए हुए हैं, तो 8.4 वोल्टेज बनते हैं। इन सेल्स को चार्ज करने के लिए हमने 2 सेल का BMS यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक DC फीमेल पिन यूज़ की हुई है 9 वोल्ट के अडाप्टर के लिए। पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज़ किया हुआ है। इसके बाद Arduino यूनो यूज़ किया हुआ है मैक्रो कंट्रोलर। इसके बाद 3 फ्लेम सेंसर यूज़ किए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे यूज़ किया हुआ है, एक फ्रंट पे यूज़ किया हुआ है और एक राइट साइड पे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक मिनी सर्वो मोटर यूज़ की हुई है SG90। यहाँ पर हमने DC वाटर पंप यूज़ किया हुआ है। इसकी पावर सप्लाई के पैरेलली हमने एक फिल्टर कैपेसिटर और एक डायोड यूज़ किया हुआ है रिवर्स बायसिंग के लिए। इसके बाद NPN डेलिंटन यूज़ किया हुआ है TIP 122। यहाँ पर हमने इसकी बायसिंग रिस्टेंस की हुई है 1K की। यहाँ पर हमने L298 मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है DC मोटर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए। L298 की सिग्नल की पिन हमने Arduino की पिनों के साथ अटैच की हुई हैं। यहाँ पे पावर का जैक है, इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद OUT1 और OUT2 की पिन पे हमने राइट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं, OUT3 और OUT4 पे लेफ्ट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब कोड अर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे L298 मोटर ड्राइवर के लिए 6 पिन इनिशियलाइज़ की हुई हैं, फिर फ्लेम सेंसर के लिए 3 पिन इनिशियलाइज़ की हुई हैं, सर्वो मोटर की पिन इनिशियलाइज़ की हुई है, पंप के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है। यहाँ पर हमने ड्यूटी साइकिल के लिए स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है, जिसको हमने 160 के इक्वल किया हुआ है। ड्यूटी साइकिल मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 255 होता है। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू डिक्रीज़ करने से रोबोट की स्पीड डिक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ करने से रोबोट की स्पीड इंक्रीज़ होगी। ऑटोमेटिक रोबोट में रोबोट की एक्यूरेसी के लिए स्पीड कम रखी जाती है। ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। यहाँ से आपने दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने आर्डिनो की कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करनी है। कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय समय कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें।